Hello, and welcome to English Solutions. My name is Dr. Arif Javed, and today I'm going to give you this video lecture on comprehension, cracking comprehension. Is murad ye hui ki hum isme samajhne ki koshish karenge ki comprehension kya topic hai. Comprehension, saada alfaz mein aapko samjhaun to aise टेक्स्ट को समझना, इंग्लिश टेक्स्ट को आमतौर पे ये एग्जामिनेशंस में और इंग्लिश लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात की जाए तो कॉम्प्रिहेंशन से मुराद ये ली जाती है कि टेक्स्ट को समझना और उसके बाद उसके नीचे दिए गए सवालात का जवाब देना. सो दिस इज कॉम्प्रिहेंशन. बुनियादी तौर पर हम देखते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन वर्ड बताते खुद क्या है. कॉम्प्रिहेंशन एक नाउन है और ये नाउन है कॉम्प्रिहेंड वर्ब का. कॉम्प्रिहेंड, कॉम्प्रिहेंडेड, कॉम्प्रिहेंडेड थ्री फॉर्म्स हैं वर्ब की. कॉम्प्रिहेंशन या कॉम्प्रिहेंड से मुराद होती है किसी बात को पूरी तरह से अपने जहन में बिठा लेना, समझ लेना किसी बात को. तो इसका फिर डिफरेंस क्या हुआ अंडरस्टैंड और कॉम्प्रिहेंड में, डिफरेंस क्या हुआ? अंडरस्टैंड से मुराद ये हुई कि आप बात को समझ तो गए हैं, लेकिन ये मैं कहूँगा कि एक तरह से वन वे अंडरस्टैंडिंग है. कॉम्प्रिहेंड से मुराद होती है कि अब वो आपके जहन का, आपकी समझ का पूरी तरह से हिस्सा बन गई और अब आप उसके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं उनको आंसर भी कर सकते हैं. सो अंडरस्टैंडिंग एक बेसिक लेवल है, तो कॉम्प्रिहेंड उसका एक एडवांस लेवल है, उसको समझने का और उसके बाद उसके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं उनको जवाब देने का. सो ये बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग आई कॉम्प्रिहेंशन की. वर्ड क्या है ये, इस ये अमल जो है, ये प्रोसेस जो है, ये बुनियादी तौर पे क्या है कि इसके ये टास्क्स बिठाने जहन में बहुत ज़रूरी हैं. मेरे गोल्स क्या हैं, मेरी प्लानिंग किस तरह से मैंने इसको करना है, प्रायोरिटाइज किस चीज़ को तरजीह देनी है, कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्ट इसके ऊपर सोचना है. सिर्फ ये नहीं कि टेक्स्ट मैंने पढ़ लिया तो अब मैं उसको क्वेश्चन आंसर करना शुरू कर दूँ. नो, मैंने उसके ऊपर गौर करना है. फ्लेक्सिबिलिटी मैंने एक्सप्लेन किया. दो पार्ट्स इस तरह से इसके समझने हैं आपने कि एक इसका फर्स्ट पार्ट इज रीडिंग द पैसेज. इसको एक अलग एक्टिविटी समझे और राइटिंग द आंसर्स एक अलग एक्टिविटी है. पैसेज की रीडिंग जो है कोई ये नहीं कि आपने पैसेज जो है आमतौर पर जिस तरह लोगों का एटीट्यूड होता है कि पैसेज को पकड़ा और पैसेज से पहले क्वेश्चन देख लिए कि कौन कौन से क्वेश्चन. ये टेक्निक, ये अप्रोच स्कूल की हद तक तो शायद किसी हद तक चल जाती हो, लेकिन मैंने देखा है कि एडवांस्ड एग्जामिनेशंस में लोग बहुत नुकसान उठाते हैं इन टेक्निक्स की वजह से. दैट इज़ व्हाई वी डिसाइडेड इन इंग्लिश सॉल्यूशंस कि इसके ऊपर कॉम्प्रिहेंशन के टॉपिक को सेपरेटली पूरा ट्रीट करना चाहिए और इसके ऊपर एक पूरा तफसीली लेक्चर की ज़रूरत है, क्योंकि इस टॉपिक के बारे में बहुत कम लोग इसको प्रॉपरली, इसको सिग्निफिकेंस, इसकी अहमियत जो है उसको वो समझते हैं. स्टेप्स इसके देखते हैं. सो हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, दो स्टेप्स हैं, दो बेसिक इसके पार्ट्स हैं और वो दोनों मिलेंगे तो कॉम्प्रिहेंशन बनेगी. पहला था हमारे पास रीडिंग द पैसेज और दूसरा राइटिंग द आंसर्स. फर्स्ट स्टेप इसमें आपके पास रीडिंग हम देखते हैं. रीड द पैराग्राफ थॉरली. इसके अंदर जो स्किमिंग जो है वो नहीं चलती, स्कैनिंग की जो टेक्निक है वो इसके अंदर इसलिए नहीं चलती कि इसके बाद इसको इस तरह से भी अप्रोच करते हैं कि जी फटाफट टेस्ट को जो है, टेक्स्ट को जो है वो स्किमिंग कर ली, उसके मोटे मोटे अल्फाज, जो मोटी मोटी जो उसकी बातें हैं वो पढ़ ली और उसके बाद क्वेश्चंस की तरफ चले. नो, इट डज नॉट वर्क लाइक दिस. रीड द पैसेज द फर्स्ट टाइम थॉरली, ये आपका स्टेप नंबर वन है. और अगर आप उसको थॉरली नहीं पढ़ना चाहते तो फिर बाकी की ये ना ये वीडियो देखने की आपको ज़रूरत है और ना ही आपको कॉम्प्रिहेंशन में आप समझें कि कोई कामयाबी से आप उसके आंसर्स जो हैं वो क्वेश्चंस के दे सकते हैं. डू नॉट कंसिडर न्यू वर्ड्स एज हर्डल्स. पैराग्राफ को जब आप पढ़ रहे हैं तो उसमें अक्सर लोगों को साथ प्रॉब्लम ये आती है, वो कहते हैं कि ये नए अल्फाज हैं जो कि हमें रुकावट है. नए अल्फाज मैं इसलिए कहता हूँ कि आमतौर पर इसको कहा जाता है डिफ़िकल्ट वर्ड्स. आप जानते हैं कोई वर्ड डिफ़िकल्ट नहीं होता. बचपन में जो भी लफ्ज़ हम पढ़ते थे इंग्लिश में वो हमें डिफ़िकल्ट लगता था, आज वो हमारी वोकैबलरी का हिस्सा है. पहली दफ़ा जब लफ्ज़ वोकैबलरी देखा था तो बोला नहीं जाता था, लेकिन अब जो है वो आप आसानी से उस वोकैबलरी, बल्कि वो कैब बना गए हुए हैं, उसके स्पेलिंग्स आते हैं हर चीज़ का.
پیراگراف، تھورلی، ہرڈلز، یہ الفاظ کسی زمانے میں ہمیں ڈیفیکلٹ ورڈز لگتے تھے لیکن اب ہماری ووکیبلری کا حصہ ہیں. کیوں نیو ورڈز کیوں کہتا ہوں؟ اس لیے کہ آپ کے پاس وہ ووکیبلری میں آپ کا اس کا وہ حصہ نہیں ہے اس وقت. اب اگر وہ کمپریہینشن میں آ گئے تو اس کو آپ ہرڈل، اس کو آپ رکاوٹ نہ مانیں. بعض لوگ اس کے اوپر رک جاتے ہیں، وہ اس کو سرکل کر لیتے ہیں اور پھر ان کی نظر بار بار اسی لفظ کی طرف جاتی ہے کہ یہ ورڈ مجھے نہیں آئے گا تو پھر میں کیا کروں گا. اس کو وہ نہ بنائیں. ڈو ناٹ گیٹ کنفیوزڈ اوور سائنٹیفک ٹرمز. پھر بعض اوقات پیسیجز جو ہیں وہ ٹیکنیکل ٹرمز ہیں، سائنٹیفک ٹرمز ہیں، ان کے اوپر کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ اٹ از موسٹلی ریلیٹڈ ٹو دا پیسیج. آپ کو جو بھی پیسیج دیا گیا ہے سائنٹیفک ٹرمز اس سے ریلیٹڈ ہوں گی. یہ کبھی نہیں ہوتا کہ کوئی سائنٹیفک ٹرم باہر سے جو ہے وہ آپ کو دے دی گئی ہے اور سمجھا یہ جائے، مثلا ایگزامینر یہ سمجھے کہ آپ کو پہلے سے وہ ٹرم جو ہے وہ آتی ہوگی. ٹھیک ہے، کامن ٹرمز جو ہیں جیسے گریویٹی ہے، ٹیمپریچر ہے، اس طرح کے ورڈ تو آتے ہیں. لیکن اگر کوئی زیادہ کمپلیکس سائنٹیفک ٹرم ہے تو یہ پریزیوم نہیں کیا جاتا کہ ریڈر کو پہلے سے معلوم ہوگا. وہ ٹرم عام طور پہ پیسج کے اندر ایکسپلین کی ہوتی ہے. لیکن پوائنٹ نمبر ٹو میرا کہ آپ اس کو رکاوٹ نہ سمجھیں ان سائنٹیفک ٹرمز کو، اور طریقہ ایسا اختیار کریں کانٹیکسٹ، جس کو ہم کہا جاتا ہے کانٹیکسچولائزنگ دا ٹیکسٹ، کہ آپ نے اس کا جو کانٹیکسٹ ہے اگر سینٹنس میں، آگے چل کے میں پریکٹس جب ہم کریں گے اس کی کمپریہینشن کی تو آپ کو دکھاؤں گا بھی کہ کس طرح سے اس لفظ کو بغیر سمجھے ہوئے بھی باقی سینٹنس میں سے میننگ جو ہے وہ نکالنے کی آپ کو عادت ہونی چاہیے. سو کمپریہینشن میں اس چیز کے لیے تیار رہیں کہ بے شمار نیو ورڈز آئیں گے، اور اگر آپ کو ان کا نہیں بھی میننگ آتا تو اس کے باوجود بھی آپ نے اس میں سے اپنا راستہ جو ہے وہ نکالنا ہے، اس کو رکاوٹ سمجھ کے وہاں پہ رک نہیں جانا. اس کے اوپر اسی لیے اس کو میں نے وارننگ کہا، ایک بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے جو 99% لوگ کرتے ہیں اور جو انتہائی غلط چیز ہے، دیٹ از ٹو ناٹ ریڈ دا کوسچنز بیفور ہینڈ. لوگ پہلے کوسچنز پڑھتے ہیں اس کے بعد ٹیکسٹ پڑھتے ہیں تاکہ وہ صرف اتنا ٹیکسٹ پڑھیں جتنا کہ کوسچن کے لیے ریکوائرڈ ہے، اور یہی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے. ایڈوانس لیول انگلش میں، کمپریہینشن میں آپ کو پورا پیسج پڑھنا پڑتا ہے، اس لیے کہ کوسچنز اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ صرف ایک یا دو سینٹنسز میں نہیں پڑھے ہوں گے. کوسچنز پڑھنے کی لوگوں کو عادت، پہلے پڑھنے کی عادت اس لیے بھی ہوتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیکسٹ کے اندر، جیسے اسکولوں میں کتابوں پہ کیا جاتا تھا کہ یہاں سے یہاں تک اس سوال کا جواب ہے، بریکٹ لگا لی، یہاں سے یہاں تک اس کا جواب ہے. ایڈوانسڈ لیول کے ایگزامینیشنس میں کمپریہینشن اتنی سمپل نہیں ہوتی. سو پلیز بی ویری کیئرفل، اٹس اے وارننگ دیٹ ڈو ناٹ ریڈ دا کوسچنز بیفور ہینڈ، اس لیے کہ اٹ ول انفلوئنس یور ریڈنگ. آپ، انسانی ذہن یہ کر نہیں سکتا کہ وہ کوسچنز کو اگر آپ نے پڑھ لیا ہوا ہے تو پھر لازمی بات ہے کہ آپ کا دھیان بار بار جو ہے وہ کوسچنز کی طرف جائے گا. سو اپنی جو آپ کی کانسنٹریشن جو ریڈنگ کی ہے، جو ہے جو اس کو انڈرسٹینڈ کرنا اور جو اس کو کمپریہینڈ کرنا تھا، وہ پھر سائیکولوجیکلی انسان جو ہے وہ اس کے پیچھے نہیں جاتا. دیٹ از وائی ٹرائی ناٹ ٹو ریڈ دا. اس کو میں میتھڈ جو ریڈنگ کا ہے اس کو میں ون اینڈ ٹو کہتا ہوں. ون اینڈ ٹو اس لیے کہ یہ اس کے دونوں اسٹیپس جو ہیں وہ الگ الگ ان کے میننگ ہیں. یور فرسٹ ریڈنگ ول انٹروڈیوس یو ٹو دا ٹاپک اینڈ مین پوائنٹس. اس لیے کہا جاتا ہے کہ فرسٹ ریڈنگ جو ہے وہ بہت تھورلی ہونی چاہیے، اس لیے کہ آپ کو ٹاپک کا بنیادی طور پہ ابھی نہیں معلوم، اس کے مین پوائنٹس کا نہیں پتہ. صرف آپ اس کو تھورلی پڑھیں گے تو چل کے آپ کو انٹروڈکشن ہوگا، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ پیسج ہے کس چیز کے بارے میں، اس کے مین پوائنٹس کیا ہیں، اور اس کا جو ہے وہ ٹاپک، تھیم جو ہے اس کی وہ کیا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ کوسچنز پڑھ لیں. Now you may read the questions. اب آپ کے لیے مناسب ہے کہ questions کو دیکھ لیں، کیونکہ آپ نے پیسج کو پڑھ لیا ہے تھورلی جیسا کہ ہم نے کہا، اور نیکسٹ اسٹیپ کے طور پہ آپ نے اس کو questions پڑھ لیں. لیکن اٹ از اونلی یور سیکنڈ ریڈنگ وچ ول پریپیئر یو ٹو آنسر دا questions. یہ خیال رہے، اس لیے اس کو میں ون اینڈ ٹو کہتا ہوں کہ ون اینڈ ٹو یاد رہتا ہے. ون یعنی کہ پہلے اس کو تھورلی پڑھنا، پھر questions کو پڑھنا، اور سیکنڈ ریڈنگ صرف آپ کو پریپیئر کرے گی اپنے کوسچنس کو آنسر کرنے کے لیے. فرسٹ ریڈنگ کے بعد اگر آپ کوسچنس کو اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو
देखा गया है कि 80-90% गलतियां होती हैं, क्योंकि फर्स्ट रीडिंग में तो महज आप टेक्स्ट में से गुजर रहे थे. आमतौर पे टेक्स्ट जो हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो पैसेजेस हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो एडवांस्ड इंग्लिश में से लिए गए होते हैं. सो ये समझना कि कोई भी रीडर जो है वो पहले पैसेज में जो है, पहली रीडिंग में जो है, उसको इतना समझ गया है, उसने इतना कॉम्प्रिहेंड कर लिया है कि अब वो क्वेश्चंस को आंसर कर सकता है, दिस इज़ अ बेसिक मिस्टेक. डू नॉट कमिट दिस मिस्टेक्स, डू नॉट ट्राई टू फेल रादर देन सक्सीडिंग, बिकॉज एक मेथड आपके सामने मौजूद है. जब पता है कि ये टेक्स्ट इतने सिंपल नहीं है और टेक्स्ट जिसके ऊपर जो आंसर्स हैं वो भी इतने सिंपल नहीं होंगे जितने के वो नज़र आते हैं, तो फिर लाजमी है कि आप उसको टाइम दें. आमतौर पे लोगों की जो है वो उसके ऊपर जो लॉजिक होता है वो कहते हैं जी टाइम नहीं, जी एग्जामिनेशन के अंदर जो है. जबकि देखा यह गया है कि अगर आप जल्दी करेंगे तो फिर बाद में मुश्किलात भी बनेंगी. सो नो हरी नो वरी. आप इसके लिए लाजमी है कि टाइम मैनेजमेंट सीखें. आप पेपर जो 3 आवर्स का है या जितना भी टाइम आपके पास है उसके लिए उसके टाइम मैनेज करें. उसके अंदर पहले से आप ये ध्यान रखें कि मैंने प्रेसी को कितना टाइम देना है, मैंने कॉम्प्रिहेंशन को कितना टाइम देना है, ट्रांसलेशन टाइम मांगती है, आपके बाकी जितना ग्रामर का पोर्शन है, जो MCQs हैं, दे ऑल रिक्वायर टाइम. सो यू मस्ट बी एबल टू मैनेज योर टाइम, प्लान योर पेपर अहेड. और उसके बाद यह है कि इफ़ यू आर अ सीरियस स्टूडेंट, इफ़ यू रियली वॉन्ट टू अटेम्प्ट द एग्जामिनेशन एंड गेट गुड स्कोर इन दैट, आप पे ये फ़र्ज़ है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप पहले पेपर से बहुत पहले, सेवरल वीक्स अगो, आप पूरा उसको तैयार करने के बाद 3 घंटे के लिए बैठें और देखें कि मुझे कितना टाइम लगता है. मुख्तलिफ लोगों को अलग अलग टाइम लगता है. मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 20-25 मिनट्स कॉम्प्रिहेंशन के लिए दे दें. बाज लोगों के लिए 15 मिनट्स काफ़ी हैं, बाज लोग इसको 30 मिनट्स, लेकिन इसको वेटेज दें. इसको ये समझें कि दीज आर योर 20 मार्क्स, इट्स अ मेजर पोर्शन ऑफ ऑफ योर क्वेश्चन पेपर, ऑफ योर एग्जामिनेशन. सो और इसके दरमियान ये कहना, बात जहाँ से शुरू हुई थी कि नहीं जल्दी थी एग्ज़ाम के अंदर, ज़ाहिर है सबको जल्दी होती है, ये कोई नई बात नहीं है. पहली दफ़ा इम्तिहान नहीं देने लगे, हमें पता है कि एग्ज़ाम में टाइम जो है वो लिमिटेड होता है, तो फिर उसकी प्लानिंग पहले से करनी चाहिए. सो अगर आप जल्दी करेंगे तो उसमें फिर आप सही तरह क्वेश्चन आंसर्स नहीं कर सकते. डू नॉट स्टार्ट राइटिंग द आंसर्स इन अ हरी. बहुत से लोग ये करते हैं, वो एकदम से सवाल पकड़ा, उस फौरन उसका जवाब जो है वो लिखना शुरू कर दिया. नो, रिफ्लेक्शन. यहाँ पे आपकी जो है वो रिफ्लेक्शन आती है. रिफ्लेक्शन से क्या मुराद है कि आप टेक्स्ट को थोड़ा सा सोचते हैं उसके बारे में, और उसके बाद फाइंड द रेलिवेंट पार्ट ऑफ द टेक्स्ट फॉर योर आंसर्स. टेक्स्ट के अंदर आपके जो जवाब हैं उनके रेलिवेंट देखें कौन सा हिस्सा है, और सारे टेक्स्ट को. यहाँ पे आपको हर क्वेश्चन को पकड़ के एक दफ़ा दोबारा जो है वो सारे टेक्स्ट को देखना चाहिए, जिससे कि आपको मालूम होगा कि कौन सा हिस्सा जो है, क्योंकि लाजमी नहीं कि आंसर जो है वो पहले क्वेश्चन का पहले पैराग्राफ में पड़ा होगा या शुरू में होगा या दरमियान में होगा. नहीं, ये सारा कुछ मिक्स भी हो सकता है. सो अगर आप हरी नहीं करेंगे तो फिर बाद में आप वरी भी नहीं करेंगे. जबकि देखा यह गया है कि अक्सर लोग आते हैं, वो और जी पेपर तो मैंने दे लिया है, लेकिन सर बस वो जल्दी में जो है ना वो ये वाला क्वेश्चन जो है वो ये गलत हो गया. जल्दी किस चीज़ की, आपने पहले से प्लान नहीं था किया हुआ. सो प्लीज़ पे अटेंशन टू दिस एस्पेक्ट. अगर आप इफ़ यू डू नॉट हरी देन यू विल नॉट वरी. ऑल इट इज़ ऑल योर पर्सनल अटेंशन एंड मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट इन द पेपर. सो ये मेरे कंप्लीट हो गए आपके जो जो जहाँ तक रूल्स का ताल्लुक है, जो इसके ऊपर जो हम कहना चाहते हैं. आप दोबारा इसको पॉइंट्स को एक दफ़ा देख भी सकते हैं इसमें वीडियो में, और उसके बाद अब मैं नेक्स्ट जो है वो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के ऊपर जो है वो बाकी का टाइम लगाऊंगा. एडवाइस कि आप पैराग्राफ 1 में जाएं. देखें पैराग्राफ 1 में हमारे पास जो था वो डिसएग्रीएबल टास्क जो था वो उसकी पहली जो पहला जो पॉइंट है कि वेरी फ्यू मेन सीम टू हैव इनिशिएटिव इनफ टू चूज अ टास्क फॉर देमसेल्व्स इफ दे डू नॉट नीड टू वर्क व्हेन द इनएविटेबल डिसअपॉइंटमेंट्स. सो इसको जो स्टार्ट करना है वो ये है कि इवन इफ समबडी डज नॉट नीड टू वर्क दे चूज अ टास्क फॉर देमसेल्व्स द रीजन इज
कहे हुए हैं. सो हमने वेज गिनवाए, नंबर वन मोर कंटेंटेड, नंबर टू मोर वैल्यूएबल, और नंबर थ्री जो है वो हमने इनवैलिड वाला पॉइंट जो है वो कर दिया, और नंबर फोर जो है वो लास्ट सेंटेंस में से लेंगे, दैट इवन इफ द वर्क इज डिफिकल्ट एंड इट टैक्सेस समबडीज पावर्स द मैन शुड थैंक गॉड बिकॉज हैविंग सम सॉर्ट ऑफ वर्क टू डू इज वन ऑफ द ह्यूमैनिटीज ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग्स एंड ओनली दैट पर्सन कैन एन्जॉय or thank God for this blessing who has chosen to do some sort of work rather than a person who has no task to do. So ye comprehension ka zahir hai, main chahunga ki in answers ko likha bhi jaye, lekin yahan pe is waqt hamare paas is tarah ki koi jo hai wo sahulat maujood nahi hai. Aur dusra ye ki humne isko kafi detail se is passage ko completely jo hai कर लिया है, और उसके आंसर्स का मैंने आपको मेन पॉइंट्स जो हैं वो भी बता दिए, और उसके ऊपर सेंटेंसेस किस तरह से फॉर्म करने हैं वो भी बता दिए. आई होप दिस लेक्चर हैज हेल्प्ड यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉम्प्रिहेंशन, एंड आई हैव बीन एबल टू क्रैक दिस टॉपिक फॉर यू, और इसकी हमने डिटेल्ड स्टेप्स, यू मे वॉच द वीडियो अगेन, इसको रोक के अगर किसी जगह पे पॉज करें, और उन अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई दोबारा उसको सुने. और माई मेन पर्पज ऑफ कोर्स वाई आई चोज दिस टास्क बिकॉज आई वॉन्टेड टू हैव दिस ग्रेटेस्ट बून ऑफ ह्यूमैनिटी, दैट इज दैट आई वॉन्टेड टू बी यूजफुल टू अदर्स इन मेकिंग यू अंडरस्टैंड वॉट इज कॉम्प्रिहेंशन. थैंक यू वेरी मच.